एनसीओसी इजलास में विफा के वजीर तालीम शफकत महमूद ने शिरकत की है कैम्ब्रिज के तहत और ए लेवल के इम्तिहानात को मुलतवी करने की तजवीज़ दी गई है। आपको आम खबर दें, एनसीओसी इजलास में विफाक वजीर तालीम शफकत महमूद ने शिरकत की कैम्ब्रिज के तहत ओ और ए लेवल के इम्तिहानात को मुलतवी करने की तजवीज़ दे दी गई है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, जुनेद बताएगा क्या तजवीज़ सामने आई। जी, इस वक्त एनसीओसी का इजलास जो है वो जारी है और इसमें वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद भी शरीक हैं और एसओपीस की खिलाफवर्जी जो है वो ए लेवल और ओ लेवल के इम्तहान में जो है वो सामने आई थी, जिसके ऊपर ये तजवीज़ दी गई है कि ओ ए लेवल के इम्तहान को जो है आइंदा सेशन के लिए मुलतवी कर दिया जाए और बच्चों को आइंदा सेशन में शिरकत करने की जो है वो जो है ऑप्शन दी जाए और दूसरी जनाब नौवीं दसवीं के इम्तहान भी जो है वो आगे ले जाने के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है और इजलास जो है वो एनसीओसी का जारी है और इसमें मजीद जो है वो फैसले किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है तालीमी इदारों को जो है वो कंटिन्यू रखा जाए और ओ ए लेवल्स के इम्तहान आया कंटिन्यू रखे जा सकते हैं या नहीं रखे जा सकते, इस हवाले से फैसले जो है वो थोड़ी देर में सामने आएंगे। तफसील आपके लिए शुक्रिया आपका।